أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات وسلام على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد बुनियादी एक पॉलिसी है कि जिसपे ना कभी तगैर आया है ना कभी तब्दुल आया है और आज भी वो बाकी है और क़यामत तक ये पॉलिसी जो है वो इस्लाम की बाकी रहेगी सवाल ये है कि जब कुदरत ने हुक्म दे दिया है कि हाफ़ुल्दीन तो अब नामुमकिन है कि रसूल इस्लाम मोहम्मद मुस्फ़ा सल्स कभी माजल्ला आय करीमा से तजावज़ किया हो कि जब हुक्म लाही है और रसोल्ला तशीफ लाएँ कि अल्लाह के हुक्म अमल किया जाए चो तो दूसरों को अमल करवा रहा है कैसे मुमकिन है कि उसने खुद अमल न किया हो जबकि रसोल इस्लाम का तरीक़ा अंदाज़ और तो सीरत और तो सुन्नत यही रही है कि रसोल्ला ने हर हुक्म के ऊपर पहले ख़ुद अमल किया है फिर दूसरों से मुतालबा किया खुद अमली नमूना पहले बने हैं क्योंकि अगर बात करने वाला और किसी का हुक्म देने वाला या किसी चीज़ की फरमाइश करने वाला अगर ख़ुद उसका अमली नमूना न बने तो फिर उस बात का कोई असर नहीं होता है लाख मैं कहूँ कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और झूठ बोलना जो है वह बहुत ही बड़ा गुनाह है और ख़ुद मैं झूठ बोलूँ तो मेरी बात का कोई असर नहीं होगा इसकी छोटी सी मिसाल दी जा सकती है कि अगर बाप लाख कहे अपने बेटे से कि देखो झूठ ना बोला करो झूठ ना बोला करो और अक्सर यही होता है अक्सर यही होता है कि मालवा के कि कोई किसी साहब ने दरवाज़ा खिड़कााए आवाज़ दी और उनको मिलना नहीं है उससे <laughs> नहीं मिलना चाहते फ़र्ज़ कीजिए मिसाल है कि जो आए हैं वो, वो उनका कोई कर्ज है या उनके कुछ पैसे बाकी है या और कोई किसी कस्म की उनकी डिमांड है तो वही बाप जो मुसलसल अपने बेटे से कहा करता है कि देखो तो झूठ ना बोला करो वही बाप अपने बेटे से कह रहा है कि जाओ कह दो कि अब्बा घर पर <laughs> अबा घर पर नहीं है और मानवा कभी कभी वो बच्चा मासूमियत में जाकर कह देता है कि अब्बा कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं हैं <laughs> तो अब ये बताइए कि वो जो उसने साल भर तक समझाया उसे कि झूठ बोलना बुरा है उसका असर होगा या आवरी तौर तो पर जो झूठ बुलवा रहा है तो उसका असर होगा तो यही बुनियादी चीज़ है कि जब तक के अमली नमूना खुद ना इंसान बने उस वक्त तक उसकी बात पर असर नहीं होता उसकी बात का कोई असर कबूल नहीं करता तो वही रसूल इस्लाम जो इस आयत के बार बार तिलावत फरमा रहे होंगे क्या हुक्म ही यह है कि तो देखो दीन में कोई जब्र नहीं है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और उन्हीं के लिए ये तारीखदार झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके एक हाथ में तलवार रहती थी और एक हाथ में कुरान मजीद उनके रहता था और उनका ये हुक्म था कि कुरान मजीद मानो इस्लाम के सामने सर झुका दो वरना फिर हम तुम्हारी गर्दर काट देंगे तुम्हें ख़त्म कर देंगे तो ये तो जबर हो गया ये तो इकरा हो गया तो हुक्म कुरानी के खिलाफ अमल हो गया ये लिहाजा हम तसवुर भी नहीं कर सकते कि रसलोल्ला ने कभी हुक्म कुरानी के ख़िलाफ़ कभी अमल किया होगा गया हाँ बादशाहों की तारीखें मिलती हैं हमें कि जहाँ उन्होंने जबर ज़बरदस्ती किया लेकिन वो भी तारीख कम है क्योंकि अगर वाकई मुसलमानों ने जबर किया होता बादशाहों ने जबर किया होता तो जिन जिन मुल्कों में उनकी हुकूमत रही वो वहाँ सब मुसलमान हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मुसलमान हो गए हों जिस जिस जहाँ मुसलमान हुकूमत रही हो हु। यही हिंदुस्तान की मिसाल है कि जहाँ छः सौ सात सौ साल तक मुसलमान हुक्मरान रहे मगर यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा होता है कि जब्र होता तो छः सौ सात सौ साल में पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता यानी बिल्कुल यहाँ भी यही प्रवंडा किया जाता है जो इस्लाम दुश्मन है कि साहब जबर व ज़बरदस्ती है तो उसकी बेहतरीन मिसाल तो ख़ुद हिंदुस्तान है कि जहाँ 600 सौ सात सौ मरकज़ में हुमत दिल्ली में हुकूमत और जो आप जिन्हें तारीफ पढ़ी है वो जानते होंगे कि जो सरदारन लश्कर होते थे वो हिंदू होते थे बहुत से ने लश्कर जो है वो हिंदू होते थे इन लश्कर का सरदार और हिंदू है और उस पर भी जबर नहीं होता था कि तुम मुसलमान हो जाओ तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए और इस्लाम से नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम से दूरी पैदा करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया जाता है वरना खुद हिंदुस्तान ख़ुद इसकी मिसाल मौजूद है कि जहाँ जो छः सौ साल सात सौ साल जहाँ हुकूमत रही स्पेन स्पेन में छः सौ साल हुकूमत रही लेकिन कम अज़ कम कब इतनी आबादी तो उनकी थी कि दोबारा जब उन्होंने हमला किया तो मुसलमानों को शिकत दे दी तो अगर जबर होता तो पूरा स्पेन मुसलमान हो गया होता आज पूरा स्पेन मुसलमान होता इस्लामी मुल्क होता स्पेन अगरचे वो बहुत दीदार बादशाह नहीं थे जिन्होंने वहाँ हुकूमत किया है उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ उन बादशाहों की हिमायत नहीं कर रहा हूँ कि जो वहाँ हुक्मर थे लेकिन अगर जबर हुआ होता ज़बरदस्ती हुई होती तो पूरा स्पेन जो होता वो मुस्लिम मुल्कों में शामिल होता है लेकिन आज आपने देखा वहाँ के बाद में ईसाइयों ने मुसलमान जब आपस में लड़ने लगे और में आपस में फूट पड़ गई तो फिर ईसाइयों ने जब हमला किया वहां बाँ बाँ तो मुसलमानों को वापस दबाव बर्बाद तो फना कर दिया तो इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद में ईसाई मौजूद थे तो, तभी तो मुसलमानों को शिकस्त नहीं होती तो अगर सब मुसलमान हो गए होते तो कौन से कर देता हमको तो ये बुनियादी बातें हैं जो हमारे पेश नज़र रहना चाहिए कभी अगर कोई सवाल हो जाए कोई बात हो जाए तो हमारे सामने मिसालें मैं वो चीज़ें पेश कर रहा हूँ जो तबलीग में इन आप हजरात के काम आ सकती है कहीं में भी किसी मौके पर महल पर अगर कहीं पर कोई सवाल हो कहीं पर कुछ पूछ ले तो कम अज़ कम आपके पास मिसालें मौजूद हों कि अगर ऐसा ऐसी चीज़ होती तो फिर पूरी दुनिया जो है आधी से ज़्यादा दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत रही आधी से ज़्यादा दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत रही तो आधी से ज़्यादा दुनिया मुसलमान हो चुकी होती आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की अक्सरीत होती जबकि आपको मालूम है ईसाइयों की अक्सरीत है ईसाई है वो अक्सरीत में तो इससे खुद साबित होता है ना तारीखी दलील पेश कर रहा हूँ कि इस तारीखी दलील से ही खुद साबित होता है कि जबर नहीं हुआ कहीं पर जबर नहीं किया गया लिहाजा ये इल्ज़ सही नहीं गलत नहीं और क्योंकि इस्लाम का बुनियादी हुक्म है कि लाख रहा फिर दीन के दीन में जबर नहीं जीत में जबरती नहीं और अजीब चीज़ है कि जहाँ मुसलमान लश्करों ने हमला किया उन मुल्कों की तादाद कम है और जहाँ मुसलमान लश्करों ने हमला नहीं किया और वो मुसलमान हुए उनकी तादाद ज़्यादा है ये भी हिस्ट्री है अगर आप ये देखें जहाँ जहाँ मुसलमान लश्कर पहुँचा वहाँ जो मुसलमान हुए उनकी तादाद कम है और जहाँ मुसलमान लश्कर नहीं गया वहाँ तादाद ज़्यादा है क्यों किसके ज़रिए से हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है सबसे पहले वो ताजरों के ज़रिए फैला है अफ्रीका में कभी हमला नहीं हुआ लेकिन आप देखें करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं वहाँ पर करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं तो जब हमला ही नहीं हुआ वहाँ इस्लामी लश्कर कभी गए ही नहीं तो वो तलवार के तौर पर कैसे मुसलमान हो गए जब लश्कर ही नहीं गया वहाँ वहाँ किसके जरिए मुबल्न के जरिए से मुसलमान हुए और ख़ास तौर तो जो मुसलमान ताजिर जाते थे वो तजारत के साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी करते थे लिहाजा वहाँ अब जैसे केरल है केरल में क्या कहें इस्लामी लश्कर गया कितनी ज़बरदस्त वहाँ मुसलमानों की आबादी है जब वहाँ मालूम हुआ तो मालूम हुआ कि मुसलमान ताजिर जो आते थे उनके ज़रिए से इस्लाम फैला और वहाँ जो सबसे सबसे पहली जो हिंदुस्तान में मस्जिद बनी है जो जानते हैं आप वो उस तरफ़ है वह मैं वहाँ गया था वह नाम पूरा खम्बात वगैरह की तरफ खम्बात की तरफ सबसे पहली जो है वह केरल का मस्जिद है सब मस्जिद किसने बनवाई थी वो हिंदुओं ने बनवाई थी वो किसके लिए बनवाई थी मुसलमान ताजिरों के लिए कि किया मुसलमान ताजिर आते हैं उनको जमा पढ़ने में दिक्कत होती है ज़्यादा उनके लिए मस्जिद हिंदुओं ने बनवाई वहाँ के ऊपर जो है सबसे पहली मस्जिद करार पाती है हिंदुस्तानी तो खुद ये तमाम तारीख़ी दलील एक चीज़ होती है अकीदा एक चीज़ होती है इंसान का बिलीफ और एक चीज़ होती है हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि जैसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता है ये तारीखी हकायक है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो पहली मस्जिद बनी है वो केरल में बनी और वह हिंदुओं ने बनवाई थी सिर्फ इसलिए कि ना मुसलमान ताजिर न आए तो उनको जहमत ना हो और उसके बाद उन्हीं ताजिरों के ज़रिए से केरल में पूरा केरल तकरीबन वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है उस सब के सब ताजरों के जरिए से इस्लाम फैला है, जहाँ कभी कोई इस्लामी लचकर गए ही नहीं था तो ये ऐसे हकाक़ान को अगर पेश किया जाए तो जो जिनको बहकाया जाता है जो सादा लह लोग हैं उनको बहकाया जाता है उसका यह जवाब हो सकेगा कि साहब ऐसी जगहों के ऊपर इस्लाम फैलाए जहाँ पर इस्लाम का लश्कर कभी गए ही नहीं तो तलवार के ज़ोर से वो कैसे फैला हो तो खुद ये दलील है इस बात की कि इसका मतलब यह कि इस्लाम जो था उसके तालीमत की बुनियाद के ऊपर इस्लाम फैला और हजूर सरोर कायनात मोहम्मद मुशफ़ा कि सीरत पाक उसकी बुनियाद के ऊपर इस्लाम फैला अब मैं एक वाक़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और वो वाकई इस तरह से है कि जब पहली मरतबा तबलीग के लिए ने नेलान फरमाया मक्के में और उसके बाद ये यद फरमाया कि फला मकाम के ऊपर सब के सब जमा हो जाओ और मैं तुमसे कुछ बात करने वाला हूँ तो एक बुलंदी के ऊपर रसोल्ला तशीफ ले गए और सामने पूरा मजबा जो था उसमें सब मश्रिक थे उस कोई भी करमा गो नहीं था कोई भी कलेमा पढ़ने वाला नहीं था सब के सब मशरक थे सब के सब काफिर थे अब तमाम तारीखें गवाह हैं तमाम सीरत की किताबें गवाह हैं कि रसोल्ला ने पहले ये नहीं कहा कि मुझे नबी मान लो पहले ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पहले ये नहीं फरमाया आपने कि मैं पैगम्बर हूँ बल्कि पहले जुमले उनके जो थे वो आज भी तारीख में महफूज हैं तमाम काफिलों मशरकों को आपने गवाह करके कहा कि ये गवाही ये बताओ ये बताओ कि मेरा किरदार कैसा है ये बताओ कि मेरा अखलाक कैसा है ये बताओ मेरी ज़िंदगी तुम्हारी निगाहों के सामने है बचपन से कर आज तक चालीस बरस के सिंह तक ये बताओ मेरी ज़िंदगी कैसी है तो तमाम काफिरों और मशरक़ों ने यकज़बान होकर कहा उसमें कोई एक भी मुसलमान नहीं था उसमें सब ने यकज़बान होकर कहा कि आप से ज़्यादा अमानत आपसे ज़्यादा सच्चा आप ज़्यादा बाखलाक और आपसे ज्यादा बा किरदार हमने आज तक किसी को नहीं पाया ये कौन कह रहा है ये काफिर कह रहे हैं ये कौन कह रहा है ये मुशरिक कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा सच्चा आपसे ज्यादा बाखलाक आपसे ज्यादा अमानत दार आपसे ज्यादा बाकिरदार हमने किसी को नहीं पाया अभी नहीं कहा कि मैं नबी हूं अभी नहीं कहा कि मैं रसूल हूं नहीं कहा कि मैं इलाही नुमाइंदा हूं ये पहले बताओ मेरा किरदार कैसा है ये बताओ कि मेरा अखलाक कैसा है ये बताओ कि मैं मैं तुम्हारी निगाहों में ख़ुद कैसा हूँ सब ने करके होकर कर, हो कहा कि आज तक आपसे बेहतर हमने किसी को पाया ही नहीं इसीलिए हम बहुत इतमान से कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने नबूत का कलेमा बाद में पढ़वाया था और किरदार का कलेमा पहले पढ़वाया था खलाक किरदार का कालेमा पहले पढ़वाया था या यूँ अर्ज करूँ कि अपने अपनी नबूवत के ज़ोर पर अपने किरदार को नहीं मनवाया था बल्कि अपने किरदार के ज़ोर पर अपनी नबूवत को मनवाया था एक शलवा मशहूर और मरूफ वाक़ है आप पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं और हर सीरत की किताब में बल्कि हर सीरत के बयान में ये वाक़ मिलता है कि एक दुश्मन है औरत कि जो रसोल्ला के ऊपर कूड़ा फेंक रही है रोज़ उधर से गुजर रहे हैं और रोज़ वो कूड़ा फेंक रही है अच्छा अजीब चीज़ है ना रसोल्ला अपना रास्ता बदल रहे हैं ना वो अपना तरीका बदल रही किसी और रास्ते से चले जाते और भी रास्ते तो होंगे कि जहाँ तस्वीरें जाती नहीं मगर रसोल्ला उसी रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि जहर मसलहत यह है कि अगर रास्ता बदल देते तो औरत सही रास्ते बना पाती अगर सुरता रास्ता बदल देते तो उसी तरह से वो काफरा रहती उसी तरह से वो मुशरिका रहती औरत एक मरतबा बसर तबरुक अंदाज़ कर रहा हूँ आप हालात का सुना है कि एक मरतबा जब आप तशीफ ले गए तो उस औरत ने कूड़ा नहीं डाला दूसरे दिन गए फिर भी कूड़ा नहीं पड़ा तीसरे दिन नहीं अब पूछा भी क्या बात है वो औरत कहाँ गई जो रोज़ मेरे सर पर कूड़ा फेंका करती तो गई कहा लोगों ने कहा कि वो वो तो बीमार हो गई है वो तो मरीज हो गई तो रसल ने फरमाया चलो चलते हैं उसके बाद दरवाज़ा आप उसका उसको मालूम कौन है, कौन है? उसका कि मैं मोहम्मद हूँ उसने कहा अरे अब बदला लेने आए हो तो जब मैं बीमार हूँ अब बदला लेने आए मैं बीमार हूँ क्या नहीं मैं बदला लेने नहीं आया हूँ मैं तेरी खैरियत दर याद कर आया हूँ कि तीन दिन से तूने ने कूड़ा नहीं फेंका तू है कैसी <laughs> अंदर बुलाया तशीव लेकर उसके बाद फिर उसने कलेबा पढ़ा कि सब बाखलाक ऐसा बाकिरदार बाख् सिवाय अल्लाह के नुमाइंदे की और कोई नहीं हो सके मुसलमान हो गई अगर रसूल रास्ता बदल देते तो मुसलमान ना होती और कई वाक ऐसे थे ये आप तो एक ही एक और एक तो मर्द का वाक़ है कि मर्द भी इसी तरह का था कि वो कांटे बिछाता था रसोल्ला के जमाने में पत्थर फेंकता था उनके ऊपर अजिया देता था तकलीफ़ देता था और वो भी यही हुआ कि कई दिन गुजर गए उसकी तरफ से ना कांटे बिछाए गए ना कोई पत्थर फेंका गया कुछ नहीं तो फिर रसोल्ला दरिया बीमार है उसके बाद फिर आप भी उसकी आयादत को पहुँचे और उसने दरियाज के काहे के लिए आएँ क्यों आए हैं क्या बात है कभी तेरी आयादत के लिए आया हूँ देखने आया हूँ तो उसने इस तरह से रिवायत भी है कि जब रसुल्ला अंदर आने लगे तो उसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया अपने चेहरे पर कपड़ा डाला तो पूछा कि कपड़ा क्यों डालो कहा कि मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है कि मैं मुसलमानों के रसूल से आँखें चार कर सकूँ मुझे ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा वो देख सकें और मैं उनसे आँखें चार करूँ क्योंकि जो इतना बाखलाक शख्स है उसको मैं इतनी अज्जित दिया करता था इतनी तकलीफ किया करता था और उसके बाद जब रसोल्ला पहुँचे हैं तो रसोल्ला ने ख़ैरियत दिल यास की कैसा मिजाज है का मिजाज बाद में पूछिएगा कलेमा पहले तलीम कीजिए उसी वो मुसलमान हुआ उसी व मुसलमान हो गए लेकिन कि आप कि जमीर में कुछ ना कुछ बेदारी होना चाहिए तभी असर होता है किरदार का और ज़मीन बेदार नहीं है तो किरदार कोई असर नहीं होता जैसे मैंने आपके सामने वाक़ आप पेश किया था कि वो एक शख्स आया था मक्के मौजमा से और उसके बाद उसको दिखानी मिल रही थी कहीं ठहरने की तो रसल्ला ने अपने घर में उसको ठहराया था और उसको अपने हाथ से बकरियों का दूध दो के उसको पिलाया था और उसके बाद उसके किरदार पर इतना असर हुआ कि सुबह मुसलमान हो गया लेकिन बहुत से ऐसे थे कि ला किरदार के नमूने उसने पेश किए मगर उनके दिल से कोहर की स्याही मिठी नहीं थी तो उसका उसका भी वाक्य आपको सामने पेश कर दो कि जब आ, मक्के मौजूँ पर जब भी रसूलुल्लाह वहाँ तशीफ जब तक तशीफ़ फरमा रहे तो जब भी बारिश नहीं होती थी तो मुश्रकन मक्का जो थे वो रसूल की खिदमत में आते थे <coughs> और कहते थे आप दुआ कीजिए और मशहूर वाक़ मैंने शायद पता है किसी में पढ़ा भी था कि जो कसीद लामिया है जनाब अबू ताब का वो भी इसी सिलसिले में है कि उस वजूर सर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल छः छः सात बरस का सिल रहा होगा उनका कुल छः सात बरस का सिल रहा होगा और उसके बाद ता, तमाम तारीख़ों में है अजीब चीज़ है तारीख़ इबिन हिशाम शाम सरत अबिन तबकत इबन सद तारीख़ और जितनी भी तारीख़ें यानी जो कदीम तारीख सब में ये वाक़ मौजूद है कि दो साल गुजर गए और बारिश नहीं हुई मक्के में यहाँ तक कि कहत पड़ गया लोग मरने लगे भूख और प्यास ख़त्म होने लगे और जो मशरिक मक्का थे सरदारा ने मक्का और सब मुतकदों में सब बत्तों के सामने अपने सर झुकाए हुए सजदा रेज बारिश हो जाए बारिश हो जाए बारिश हो जाए मगर किसी तरह से बारिश नहीं हो रही थी तब तारीख गवाह है कि तब उस वक्त तमाम मशरिक मक्का ने सरदारान मक् ने, ने तय किया कि चलो जनाब मतारे अब मतारे पास चलते हैं अबू तालिब पास चलते हैं और जाकर अबू तालिब से कहते हैं जनाब तालिब से कहते हैं अब तारि से जाकर कहते हैं कि हम अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक गए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है ए अबू तालिब अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए यह तारीख में जुमले दर्ज हैं जो खुद इस बात का सबूत है ये ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि हमारा खुदा कोई और है और जनाब अबू तालिब का ख़ुदा कोई और है और सब के सब पहुँचते हैं जनाब मुतालिब वो दरवाज़े पर दरवाज़ा खटखटाते हैं दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलते हैं देखते हैं बाद में मजबा लगा हुआ है क्या बात है क्यों आए हो तुम लोग तो तमाम सरदारा ने मक्का जो आगे आगे तो उन्होंने कहा ये अबोतारिफ़ हम अपने खुदाओं से अपने मुतकदों में अपनी इबादतगाहों में हम दुआ मांगते मांगते थक चुके हैं मगर बारिश नहीं हो रही है ये अब वाले हमारी दरख्वास्त यह है कि आप अपने खुदा से दुआ मांगिए आप अपने खुदा से दुआ मांगिए ता, तमाम तारीख़ों में है उसका तो ये होता है कि खुद लिख भी रहे हैं और उसके बाद भी जनाब अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं कि ईमान नहीं लाए थे मुसलमान नहीं हुए थे जनाब अबू तालिब दर शाद फरमाया कि सुबह को सब के सब काबे के पास जमा हो जाना पूरा मक् जमा हो जाए पूरा मक्का जमा हो जाए मैं सुबह पहुँच रहा हूँ दुआ मांगने यहाँ पर भी मैंने तबसरा किया था किसी वजिश में कि यह भी अजीब बात है कि जनाब अबू तालिब कह रहे हैं कि मैं दुआ मांगने आऊँगा सुबह को पूरा मक्का जमा हो जाए मुझे इतना बता दीजिए बड़े से बड़ा मुतफी बड़े से बड़ा पशेगार आलम में दौरा वर्ज व्यू ना हो क्या किसी को भी अपनी दुआ पर इतना भरोसा हो सकता है कि जितना जनाब अबू तालीब को अपनी दुआ पर भरोसा था अगर कोई मुझसे कहे कि आप मेरे लिए दुआ मांग दीजिए तो क्या मैं कहूँगा नहीं दुआ नहीं मांगूंगा मैं मैं दुआ मांगूंगा अगर वो पूछे मुझसे कि भाई आप जो तो दुआ मांगेंगे मेरे लिए कबूल भी होगी नहीं होगी तो भाई मेरा काम दुआ मांगना है कबूल होगी नहीं होगी इसकी दोबारा तो मैं ले ही नहीं सकता अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो कबूल होगी मर्ज़ी नहीं होगी तो कबूल नहीं होगी तो यहाँ पर भी जनाब मतलब को यही कहना चाहिए था कि मैं दुआ मांग दूंगा लेकिन जनाब अहमाले फरमान नहीं बहुत नाजुक पहलू है जनाबाले फरमाना है कि पूरा मक्का जमा हो जाए मैं दुआ मांगने पहुंच रहा हूं फ़र्ज कीजिए माजल्ला माजुल्ला अगर दुआ कबूल ना हो तो इतने बड़े मजमे के सामने बेजती हो जाएगी इतने बड़े मजमे के नाम सामने सुबकी हो जाएगी कि आपने बुलाया हमें दुआ मांगने के लिए इतनी देर से आप दुआ मांग रहे हैं दुआ कबूल ही नहीं हो रही है इसका मतलब है कि जनाब तालिब को अपनी दुआओं पर इतना भरोसा था कि पूरा मक्का जमा हो जाए मैं दुआ मांगने पहुँच रहा हूँ इसलिए मैंने जुमला कहा था कि सारी दुनिया का ईमान और तकवा एक तरफ है और ईमान अबू तालिब एक तरफ है एक शलवार हाँ। और तमाम तारीखों में वाक़ दर्ज है तमाम तारीखों में वाक़ दर्ज है के छः या सात बरस का सिन आपने बाजू पकड़ा आप दे का और उसके बाद कहा तशीर चलिए चलिए हमारे साथ चलिए काबे के करीब पहुँचे और इस तरह से तमाम तारीखों में इस तरह से ताकि आप इस तरह से खड़े हो जाइए कि आपकी पुष्ट की तरफ हो और चेहरा मेरी तरफ हो और उसके बाद तारीख़ें लिखती हैं जनाबारीफ़ की निगाह चेहरे रसोल्ला पर थी और फिल बदी चालीस अशार का कसीदा था तो फरमाया जिसको लामिया के नाम से आज भी जाना जाना जाता है और आज भी कोई भी आप देखें कोई कोई भी आप कहीं का भी कोर्स हो अरबी का ना नामुमकिन है कि कसीदा उसमें शामिल ना हो ये कसीदा उसमें शामिल रहता है जनाब अबू तारि का कसीदा शामिल रहता है और उसमें पहला चेहरा रिसात पर निगाहें हैं और जनाब अब तारीब फरमा रहे हैं कि वब यजो जस्तल गवाबाम में वजह ही शमारुन तामा वस्मतुलला रामली एसिन चेहरे वाले ए सफ़ेद और नूरानी चेहरे वाले अरे तेरे चेहरे के ज़रिए से तो अब दुआ मांगी जाती है कि बारिश हो जाए और तेरा वास्ता दे दिया जाए तो अभी बारिश होने लगे और तो शिमार उनके तामा वस्मतुल्ला आप यतीमों के सरपरस हैं और आप बेवाओं के निगहवान हैं यहाँ भी अजीब चीज़ है इस पर और कम किया जाता है कि अभी सात किसी सात बरस के बच्चे के लिए जो यहाँ बैठा हो सात बरस का एक बच्चा यहाँ बैठा है मैं उसके कहने उसके लिए कहूँ ये बच्चा वो है जो यतीमों का निगहवान भी होगा ये बच्चा वो है जो बेवाओं का सरपरस भी होगा अब छः बरस का है वो मुझे क्या मालूम कि वो कैसा निकलेगा हो सकता है यतीमों को लूटने वाला निकल रहा हो सकता है वही बुरत त्यागी जैसा निकल गया है त्यागी बना हुआ है आज कल और मालूम है औकाफ को लूट रहा है और मैं छह बरस के बच्चे के लिए कह रहा हूँ कि साहब ये यतीमों का सरपरस भी बनेगा ये यतीमों का बेवाओं का निगहबान भी बनेगा आपको क्या मालूम है इसके मुस्तबिल में किरदार कैसा होगा अरे तो फरमा यहाँ बताते आपको क्या पता कि इस मुस्तकबिल में छः बरस बच्चे के बच्चे का किरदार कैसा होगा लेकिन छः बरस का सिन है जनाब मतारिक रसोल्ला के लिए फरमा रहे हैं कि ये बच्चा वह यतीमों का निगहबान है बेवाओं का सरपरस्त है इसका मतलब यह है कि सिर्फ ईमान भी नहीं था बल्कि इल्म गैब के हामिल भी थे जनाबुलवा मालूम था कि यह रसूलुल्लाह हैं और यह रसूल वह हैं जो यतीमों के सरपरस्त भी बनेंगे और यह रसूल वह हैं जो बेवाओं के निगहबान भी बनेंगे ये एक शेर से पूरा ईमान जना साबित हो रहा है और सीरत की किताबें लिख भी रही हैं और साथ ही साथ लिख रही हैं कि ईमान नहीं लाए थे मोहम्मद हालांकि हम लोग सख जुमले बहुत कम बोलते हैं एहतियात करते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि यह मजबूर यहाँ पर सख्त जुमला बोलना पड़ रहा है कि जनाब अब के सिलसिले में बौरखी लिख रहे हैं कि मातला मातला ईमान नहीं लाए थे ईमान नहीं लाए थे तो उस वक्त मैंने जुमला कहा था कि बहुत आप देखें कि जनाब अब की शख्सियत वो है कि रसोल्ला की मदद में कभी एक कदम पीछे नहीं हटे एक कदम कभी पीछे नहीं हटे रसोल्ला की मदद के सिलसिले में हर म हर सितम बर्दाश्त किया लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटे एक कदम पीछे नहीं हटे तो इस पर मैंने जुमला कहा था कि जिसके कदम पीछे नहीं हटे किसी मैदान में जिसके क़दम कभी किसी मैदान में, में पीछे नहीं हटे वो तो मोमिन नहीं है और जिनके कदम मैदान में कभी नहीं जमे आप उनको अमीरुल उमोमिन कहते हैं तो ये इससे बड़ी नाइसाफ़ी और बुरा जबी क्या हो सकती है कि अबीरमोमिन वो है जो कभी नहीं मैदान में टिके और वो मोमिन नहीं है जो कभी मैदान से नहीं हटा तो ये बहुत बड़ी नासाफ़ी तो बस जाहिर हार के नाम गुंजाइश नहीं है एक वाक़ मैंने उसके सबूत के तौर पर कि ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए दिल में कबूलीत की जो है वो सलाहियत होना चाहिए लिहाजा अब एक वाक्य वैसी का सुन लीजिए इसी सिलसिले में कि वही रहमत लिला सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत नहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि हमारा रसूल वो है जो दुश्मनों के लिए भी रहमत है नहीं नहीं ये कोई मुबादगा नहीं है ये कोई जिरी नहीं है कोई लफाजी नहीं है हकीकत है तारीखी हक़ जो दुश्मन तरीन अश्कात के लिए भी रहमत है अब मैंने आपके सामने अभी अर्ज किया के रसो रसोल्ला जब वजी वक्या मदद तशीफ़ फरमा रहे तो जब भी बारिश नहीं होती तो काफिर पहुँचते थे मुश्रक़ पहुँचते थे कि आप दुआ मांगिये जब रसोल्ला दुआ मांगते थे तो बारिश होती थी जनाब अब तालिब ने दुआ मांगी थी तो रसोल्ला के तफ़ैल में तो बारिश हुई थी तबाव तारीखों में बारिश हुई थी और उसके बाद अब जब रसोल्ला की हजरत हो गई तो फिर बारिश होना बंद हो गई मक्के में बारिश नहीं हुई साल भर दो साल गुजर गए अब काफिर आपस में गुफ्तुख होने लगी कि मुसलमानों का रसूल तो अपने साथ साथ बादल भी ले गया अपने साथ साथ बारिश भी ले गया मुसलमानों का रसूल क्या किया जाए क्या बग़ैर उनके दुआ मांगे बारिश नहीं होगी क्या वो यहाँ तो है नहीं तो मदीना मनौर में है कहा कि कोई जाए और उसे जाकर दरख्वास्त करे कि हमारी दुआ मांगे कहा कि किस मुँह से जाए आप मुहावरा क्या है क्या कि किस मुँह से जाएं हम ही तो पत्थर मारे हैं हमीर ने तो कांटे बिछाए हैं हमें तो अजियतें दी हैं हमीर ने तो तकलीफ़ें दी हैं हम किस मुँह से जाएं उसे जाकर कहेंगे हमारी दुआ मांगिए तो अब सुनिए तारीख का जुमला कि अबू सफियान ने आगे बढ़ कर कहा था मैं जाऊँगा लोगों का आप जाएंगे आप ही के कहने पर तो हमने अजियतें दी थी सारी फसाद की जड़ तो आप ही है अरे सारी फसाद की जड़ तो आप ही है आप ही के कहने पर आप ही के कहने पर आप ही के बेकारे पर तो हमने इतनी अदीत थी तो आप जाएंगे कहा हाँ मैं पहचानता हूँ मैं उनको पहचानता हूँ वो दुआ मांगेंगे वो इसका मतलब है उसको मालूम था लेकिन सिर्फ वही एक ख़ानदानी एक होती है अदावत वो ख़ानदानी अदावत थी वह हर धर्मी थी वो जिद थी कहीं सरदारी न जाए इसकी जिद थी कहीं हमारा ख़ानदान नीचे ना हो जाए इसकी जिद थी लिहाजा कहा इसलिए नहीं मान रहा था वो उसके बाद गया वहाँ मदीने में अबूसफिया और हर तरफ़ छोरा हो गया कि भाई वो सरदार आया है वहाँ का मक्के का कि जिसने हमको अजियतें पहुँचाई थी तकलीफ़ें पहुँचाई थी और कहे के लिए आया इसलिए आया कि बारिश नहीं हो रही रसूलुल्लाह से दुआ मंगवाया रसूलुल्लाह से दुआ मंगाएं सब मुसलमान रसूल की खिदमत में पहुँच गए अल्लाह के रसूल हरगिज़ द्वारा मांगिएगा सजा तो मिले कम बखत को सजा तो मिले उसकी बदमाशियों की जो उसने हमको अलगें पहुँचाई हैं हरगिज़ द्वारा मांगिएगा हमें यह ख़बर हुई है कि वो आपके पास आएगा और आपसे दरख्वास्त करेगा कि आप दुआ मांगिए वहाँ के लिए बारिश हो तो हरगिज़ द्वारा मांगिएगा अल्लाह के रसूल रसोल्ला खामोश रहते हैं अच्छा इतफ़ा से जिस दिन अबू अबूसुफियान आया है आपको मालूम ही है कि अबू सूफियान की बेटी उम हबीबा वो रसोल्ला की ज़ोजियत में थी वो मुसलमान हो गई थी वो रसोल्ला की ज़ोजियत में थी और हर हर दिन एक दिन जोजा के लिए बटा हुआ था जिस दिन अबू सूफिया आया है उस दिन उम हबीबा के यहाँ रसूल थे रसोल्ला अबू सफियान की बेटी के घर में थे उस दिन उसके घर में जाना था उन्हें जब उसको खबर हो गया बोस्फ को तो और खुश हो गया कि अब तो मेरी बेटी ही घर में है मेरी बेटी ही मेरी सिफारिश करेगी लिहाजा मुसलमानों को रसूल मेरी बात मान लेंगे अब ये पहुँचा अपनी बेटी के घरों में हबीबा हरसूल उस पर मौजूद नहीं थे वहाँ बिस्तर बिछावा था मशहूर वाक़ा है अब तो माशा जाक्रीन है आपको सब वाक़ा की तो इतला होगी हो और होना चाहिए कि बिस्तर बिछावा था अबू सुफिया ने जैसे ही उस बिस्तर पर बैठना चाहा, बेटी ने हाथ पकड़ा था सरुक जाइए बिस्तर लपेटा बिस्तर <laughs> तो लपेट के अलग रखा कि अब बैठिए कहा क्या बात अरे तुमने बिस्तर हटा लिया कहा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है आप काफिर हैं आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते अब बैठिए अब उसको अंदाज़ा हुआ कि बेटी मेरी कह रही है और उसके बाद जब रसोल्ला तशीफ लाए हैं कैसे आना हुआ क्यों आना हुआ कायर मुसलमानों के रसूल बारिश बंद हो गई है बारिश बंद हो गई है और आप जब से तशीफ़ ले गए हैं वहाँ मक्के में बारिश नहीं हुई है लिहाजा मैं आया हूँ इसलिए कि आपका जो करम है और आपका जो रहम है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात रद्द नहीं होगी आप दुआ फरमाइए दुआ फरमाइए कि वहाँ बारिश हो अबू सफियान ने दरख्वास्त की रसोल्ला ने दुआ के लिहाज मदद कर दी दुआ के लिए हाथ बलन पाले वाले अरे मेरे दुश्मन सही तेरे मानने वाले नहीं सही लेकिन इंसान तो हैं इंसान तो हैं लिहाजा मैं दुआ मांगता हूँ कि पाले वाले इन पर करम कर अपना इन पर अपना रहम करो बारिश हो इधर रसूल्ला ने हाथ बलंद किए उधर मक्के में बादल बुलंद हुए हैं और बारिश होने लगी तो ये है रसूल इस्लाम कि उसके लिए दुआ मांग रहे हैं कि जो उनका सख्त तरीन दुश्मन ये सारी फ़साद का जड़ जो शख्स था जितनी जंगें लड़ी हैं सब इसी के बहकाने पर इसी में लश्कर जमा किए इसी ने मुसलमानों को कत्ल करवाया इसी ने मुसलमानों को जो है ये तुम पहुँचाई खुद रसोल्ला को लेकिन जब यह आया है और जब दुआ मंगवाई है तो रसोल्ला ने इनकार नहीं किया रसोल्ला ने फ़ौर दुआ माँगी इसका मतलब है कि वही जो कहा जाता है रहमत ये आलमीन के लिए रहमत है ये आलमीन के लिए रहमत है सिर्फ चाहने वालों के लिए नहीं सिर्फ मानने वालों के लिए नहीं सिर्फ कलमागोियों के लिए नहीं बल्कि रसूल वह है जो हर इंसान के लिए रहमत है पहले भी रहमत है आज भी रहमत है और क़यामत तक ये रहमत लाआलमीन है अल्लाहरहमीन है रसूलरहमत लाआलमीन है और इस्लाम दीनमत आफत है लिहाजा ये बात हम बहुत इजमिनान से कह सकते हैं इल्ज़ाम सरासर गलत है झूठा है कि इस्लाम जुल्म से जबर से ज़बरदस्ती से फैलाया गया इस्लाम अगर फैला है तो किरदार रिसालत से फैला है किरदार अहिल बैत अलिस्लाम से फैला है एम मासूमीन के किरदार से इस्लाम फैला है और जहाँ जहाँ इस्लाम की रोशनी गई है वो यही शमय थी जो रोशन रही इनका नूर पूरी दुनिया में फैला है और आज भी अगर हम हम सही मानों में तालिब इस्लाम दुनिया तक पेश करें तो आज भी लोग इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं उसकी बेहतरीन मिसाल नाइजीरिया है शरीय जो है नाइजीरिया में कोई शेह नहीं था नाइजीरिया में कोई शे नहीं था और ये आ, एक तलब इलम का डाया तो है ये देखने के लिए कि आखिर ये इनकलाब है कैसा कि जिसने अमरीका को हरा दिया जिसने रूस को हरा दिया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे दी आखिर ये इनकलाब है कैसा जाकर देखूँ तो तो एक नौजवान नाइजीरिया से चल कर वो पहुँचा था वहाँ और वहाँ उसने तालीम हासिल की थी वहाँ मुसलमान शिया हो गया वो सुनी अहले सुन्नत तो शे हो शिया हुए वो हो। शिया होने के बाद वहाँ तालीम हासिल की फिर जब नाइजेरिया वापस गए तो मिलियंस मिलियंस को उन्होंने शिया किया और शिया के नाम से नहीं किया उन्होंने नाम से नफरत फैलाई जाती थी उन्होंने लिखा मसल अहल बैत हम मसल अहल बैत अम पर उसी शख्स का नाम है अला में जगज की कदिनी ने लाखों लाख लोग वहाँ पर शिया किया और सब शेह हुए तो जब अहल बैत के किरदार की रोशनी तक एक गुलाम के जरिए से खादिम के जरिए से पहुँची है तब इतने लोग शिया हो गए लादा हमें भी कोशिश ये करना चाहिए कि हम वो किरदार अख्तियार करें जैसा मतलब चाहते हैं तब वो इमाम की शर इमाम की वो गैर शाद है कि खन उ दुआत लन्ना बग़ैर अर्सरत देखो लोगों को अपनी तरफ दावत दो मगर ज़बान इस्तेमाल न करो मैंने किसी वक्त कभी अर्ज़ किया था यहाँ पर कि लोगों को कून दुआतना से बग़ैर अर्सरत अपनी ज़बान इस्तेमाल किए बग़ैर लोगों को अपने मज़हब की तरफ दावत दो हमारी तरफ़ दावत दो अपनी ज़बान इस्तेमाल न करो लोगों ने हैरत से कहा फरद रसूल बग़ैर पुकारे हुए कैसे बुलाएँ बग़ैर ज़बान इस्तेमाल किए कैसे दावत करें तो इमाम ने इशाद फरमाया कि अपने किरदार को इतना खूबसूरत बना लो अपने किरदार को इतना हसन बना लो कि तुम्हें ज़बान से पुकारने की ज़रूरत ही न हो तुम्हारा किरदार दे लोग खिंच कर तुम तक आ जाए तो ये सही मानों में हमारी तब्दील होगी और यही हकीकी तब्दील होगी और यही वाकई तब्दील होगी पाले वाले तेरी बारगाह में हम दस बदुआ है कि तो हमें इस लायक बना कि हम अपने को अह बैत का गुलाम कह सके अपने को अह बैत का नौकर कह सके अपने को अह बैत का चाहने वाला कह सकें सही मानों में हमें मुबलग मजहब अहबैत सलाम करारे हमारा किरदार ऐसा बन जाए हमारी सीरत और अंदाज़ और रफ्तार वफ्तार और ऐसी हो जाए कि लोग ख़ुद देख कर ही कहें कि जब ग़ुला ऐसे हैं तो आका कैसा होगा जब नौकर ऐसे हैं तो मालिक कैसा होगा वाखर भेजे इन लाख सल्लूनआर नबी يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما